हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 6 to 7 या बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने नेट का फैब्रिक लिया है जो है 1.5 मीटर, और यहाँ पे प्लेन नेट मैंने ली है वो है 2 मीटर्स, और यहाँ पे बेस का फैब्रिक मैंने लिया है 2 मीटर्स। सो गाइस, लेट्स गो स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हमने बेस फैब्रिक को फोर फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है, तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मिलूंगी 5.5 इंचेस, आर्म होल भी मिलूंगी यहाँ पे 5.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें 1 इंच ऐड करना है सिविंग अलाउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में ले रही हूँ यहाँ पे 12 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं ले रही हूँ 7 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है, तो इस तरह से ही हमने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3.5 इंचेस, और लेंथ में लूँगी सिर्फ 2.5 इंचेस। राउंड शेप ड्रॉ करेंगे हम। देखिए, इस तरह से हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है, हमें इसे कट करना है। तो ये हमने कट कर लिया है, तो ये हमारा टॉप का पार्ट है। हमारे पास इस तरह के 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अभी हमारा नेट का फैब्रिक है जिसे मैंने 2 फोल्ड किया हुआ है, और ये जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे यहाँ पे प्लेस करना है, और हम इसे एज इट इज़ कट कर लेंगे। तो जैसे मैंने रखा है वैसे ही हमें इसे कट करना है। ये देखिए, हमने उसी शेप में कट कर लिया है। तो हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं नेट के फैब्रिक से। अब देखिए, बॉटम के पार्ट के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है, जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 23 इंचेस। जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे 2 फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद इस पॉइंट को हम क्रॉस में एक्सटेंड करते जाएंगे लेंथ तक। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है, हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए, हमने बॉटम का पार्ट कट कर लिया है। तो हमारे पास इस तरह के 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। देखिए, नेट का फैब्रिक है, मैंने इस तरह के 2 पीस कट कर लिए हैं नेट के फैब्रिक से, बॉटम के पार्ट के लिए, जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 27 इंचेस, जिसमें हम गैदरिंग तैयार करेंगे। अब देखिए, टॉप पार्ट में पैटर्न करने के लिए फैब्रिक को हमने ट्रायंगल में 2 फोल्ड किया हुआ है। अब जहाँ पे हमारी ब्रॉडनेस 12 इंचेस आती है वहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ से लेंथ मार्क करनी है। तो यहाँ से हम लेंथ मार्क करेंगे, तो लेंथ मैं ले रही हूँ 24 इंचेस। यहाँ पे हमने इस तरह से मार्क कर लिया है। अब यहाँ से 5 इंचेस तक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद यहाँ से इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए राउंड शेप ड्रॉ करना है हमें। तो इस तरह से हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। तो इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। देखिए, इस तरह का पार्ट हमने कट कर लिया है। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस हैं जिसे हम फ्रंट पार्ट में यूज़ करेंगे पैटर्न करने के लिए। अब देखिए, नेट का फैब्रिक है जिसे मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है, इसके ऊपर हमें बेस फैब्रिक को इस तरह से उल्टा रख लेना है, और यहाँ पे दोनों को अच्छे से मिलाना है। उसके बाद हम नेक लाइन, आर्म होल और दूसरे आर्म होल में हम सिलाई करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी हमें बेस फैब्रिक को इस तरह से उल्टा रखना है, और यहाँ पे भी हम नेक लाइन और आर्म होल में सिलाई करेंगे। देखिए, इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे, तो कट लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद हमें
ये जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे बैक साइड पे टर्न करते हुए टर्न कर लेना है। तो इसी तरह से ये हमारा आर्म होल और नेक लाइन तैयार हो जाएगी। तो बेस फैब्रिक को हमने बैक साइड पे टर्न कर लिया है। इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार करना है। ये देखिए हमारे दोनों पार्ट्स बिल्कुल तैयार है। अब एक के ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है और हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो दोनों तरफ से हमें सिलाई लगा के शोल्डर फिटिंग कर लेना है। ये देखिए हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट रेडी है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने नेट का पार्ट कट किया था उसे बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो उसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए पूरी लेंथ में। तो ये जो पूरा राउंड है उसे हम बॉर्डर फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए बॉर्डर को मैंने फोल्ड कर लिया है। अब जो हमने नेट का पार्ट कट किया था यहाँ पे हमें गैदरिंग बनानी है। तो यहाँ पे हम पूरी जो हमारी चौड़ाई है उसमें लूज स्टिच लगाएंगे। तो पूरी लेंथ में हम लूज स्टिच लगाएंगे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे हमने लूज स्टिच लगा दी है। अब एक धागे को यहाँ से सेपरेट करके हमें हल्के हाथों से खींचते जाना है ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट्स में गैदरिंग तैयार करनी है। ये देखिए हमने गैदरिंग बना दी है। अब इसके साथ हमें बेस का फैब्रिक अटैच करना है। तो ये हमारा राइट साइड पे मैंने बेस का फैब्रिक रखा हुआ है जिसके ऊपर नेट का पार्ट रखेंगे हम। और यहाँ पे दोनों को अच्छे से मिला के यहाँ पे सिलाई कर लेंगे हम। इसी तरह से बैक का पार्ट भी तैयार करना है हमें। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। ये हमारा फ्रंट का बॉटम जिसके ऊपर ये हमने नेट का पार्ट तैयार किया था उसे प्लेस करना है। और यहाँ पे हम तीन प्लीट्स लेंगे इस तरह से। तो इक्वल डिस्टेंस पे इस तरह से प्लीट्स डालनी है हमें और यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें सिलाई लगाते वक्त प्लीट्स डालनी है और जो हमारा दूसरा पार्ट है उसे इस तरफ रखेंगे हम। और यहाँ पे भी हमें उसी ऑर्डर में प्लीट्स डालनी है। तो यहाँ पे जो हम प्लीट्स डालेंगे वो ऑपोजिट साइड में प्लीट्स लेंगे। तो आमने सामने हमें प्लीट्स लेनी है और सिलाई लगानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिलाई लगा के हमने फिक्स कर लिया है। अभी हमारा टॉप का पार्ट है जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा के दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। और इस पार्ट को हम इस पार्ट के ऊपर उल्टा रख के ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए टॉप और बॉटम को मैंने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से मैंने बैक साइड को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो देखिए रॉन्ग साइड पे टर्न करने के बाद यहाँ पे हम दोनों को अच्छे से मिला के 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगाएंगे नीचे तक। तो इस तरफ भी हमें दोनों आर्म होल को अच्छे से मिलाना है। उसके बाद 1 इंच के डिफरेंस पे नीचे तक सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। ये देखिए हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब जो हमारे नीचे की बॉर्डर है उसे तैयार करना है। तो मैंने नेट के फैब्रिक से एक स्ट्रिप कट कर ली है। इस तरह की स्ट्रिप मैंने कट कर ली है जिसे हमें नेट के फैब्रिक के साथ फिक्स करना है। तो इसे बैक साइड पे हमें उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। पूरी लेंथ पे हमें सिलाई कर लेना है। उसके बाद हम इस स्ट्रिप को राइट साइड पे टर्न करेंगे। तो राइट साइड पे टर्न करके हम बॉर्डर को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से बॉर्डर को फोल्ड करते जाना है और पूरी लेंथ में हम स्ट्रिप को फिक्स कर लेंगे। ये देखिए स्ट्रिप को हमने इस तरह से फिक्स कर लिया है। अब जो हमारा बेस का फैब्रिक है इसकी बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इसे सिंपली आप बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए पूरी लेंथ में। ये देखिए हमने नीचे की बॉर्डर फोल्ड कर ली है। उसके बाद इस तरह के मैंने पेच लिए हुए हैं बटरफ्लाई के, जिसे यहाँ पे रैंडमली हम टॉप पार्ट में सिलाई लगा के फिक्स कर लेंगे या फिर इसे फैब्रिक ग्लू से भी स्टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे रैंडमली फिक्स कर लेंगे।
तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से बटरफ्लाई को फिक्स कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 6 to 7 या बेबी गर्ल। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही में उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।